तो आज की क्लास में हम लोग करप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? करप्शन, क्या होता है करप्शन, जरा ऐसा डेफिनेशन दो कि मजा आ जाए सुन के। दो तो बोलो जरा, क्या होता है, व्हाट इज करप्शन, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम बोलो जो सबसे पोटेंशियल स्टूडेंट है, बोलो क्या होता है करप्शन। दैट इज डन बाय सिविल सर्वेंट, बाकी कोई नहीं हो सकता है क्या? तुम बोलो। ठीक है, तुम बोलो क्या होता है करप्शन, खूब बोल रहा था, करप्शन नहीं रुकेगा, बोलो। यदि कोई आदमी करे तो क्या प्रॉब्लम है कोई सिटीजन को? प्रॉब्लम है गलत बात है, बट यहाँ पे जो करप्शन का बात होगा क्या वो इंडिविजुअल बात होगा या पर्सनल बात होगा? हम यहाँ पे जो बात करेंगे पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड बात करेंगे, है ना, पब्लिक ऑफिसेज बात करेंगे। तो यानी कि करप्शन का मतलब जो वर्ल्ड बैंक कहता है, देखो आप डेफिनेशन समझो, वर्ल्ड बैंक कहता है करप्शन का मतलब होता है कि पब्लिक का ऑफिस का यूज़ करना, समझे, फॉर पर्सनल गेंस इज कॉल्ड करप्शन। यानी कि आपने पब्लिक ऑफिस को यूज किया है फॉर योर पर्सनल गेंस, डेट इज कॉल्ड करप्शन एज पर WB। और इंडिया कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे, इंडिया का और गजब है, सेकेंड ARC ने और ब्रॉड दिया है, और यहाँ से तुम लोग का क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगा कि व्हाट इज करप्शन। ठीक है, तो मजेदार टॉपिक है करप्शन जो बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कुछ आते हैं करप्शन के अंदर, समझे ना, केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है करप्शन, इसका बहुत बड़ा रेंज होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये वर्ड क्या है, करप्शन कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड, देखो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, इस तरह का नहीं पूछता है, जो ग्रीक वर्ड है करप्टस, ये जो ग्रीक वर्ड है करप्टस से वर्ड आया है। अब जो करप्टस का मतलब क्या होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट ना, इसका मतलब होता है बेंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशन बना था ना उसको आपने बेंड कर दिया, यानी कि तोड़ दिया उसको। तो यहां से ही बहुत कुछ समझ सकते हो, रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे कि आप नेपोटिज्म नहीं कर सको, रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया था कि आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं फंस सको, अब फंस गए, करप्शन हो गया। मात्र इस वर्ड से बहुत कुछ समझ सकते हो। तो कोई क्लासिकल डेफिनेशन तुमको देना हो तो करप्शन का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, जिस वर्ड से वो आया है करप्टस, उसका मतलब ही है कि बेंड इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस, ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो इसमें समझते हैं कि WB का, वर्ल्ड बैंक का, पूरा लिख लेना तुम लोग, वर्ल्ड बैंक करप्शन को क्या कहता है, यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस टू हैव पर्सनल गेंस। पब्लिक ऑफिस का यूज करना ताकि पर्सनल गेन्स हो सके। जहां तक सवाल है सेकेंड ARC का, तो सेकेंड ARC क्या कहता है, व्हाट अबाउट सेकेंड ARC? सेकेंड ARC कैसे डिफाइन करता है करप्शन को? तो देखो, करप्शन इज इक्वल टू M+D+S-A। क्या होता है M का मतलब, देखो
मोनोपोली ऑफ स्टेट, स्टेट का मोनोपोली, हम कुछ भी करेंगे, जाओ। सिटीजन चार्टर लागू नहीं करेंगे, आरटीआई लागू नहीं करेंगे, हमको यही करना, हम यही करेंगे, जाओ। ये हुआ करप्शन का एक फॉर्म, समझे ना? क्यों? क्योंकि डिक्टेटर्स, डिक्टेटर बनेगा तो करप्शन ऑटोमेटिकली है। दूसरा डी देखो, व्हाट इज द डी? डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, समझे ना? इन हैंड्स ऑफ, डिस्क्रिशनरी पावर इन हैंड्स ऑफ रूलर्स, अभी तो रूलर्स नहीं है इसलिए स्टेट कहता हूं, समझे ना? अरे कुछ भी जो मनमानी होगा वो करेंगे। एक है कि मोनोपोली, इसी को ठीक से करोगे तो डिस्क्रिशनरी पावर भी निकल जाएगा, है ना? मोनोपोली का दूसरा फॉर्म है डिस्क्रिशनरी, क्योंकि मोनोपोली में और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं एस का, व्हाट इज एस? एस इज सीक्रेसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, अंदर प्रशासन में क्या चल रहा है अंदर पता ही नहीं है, सीक्रेसी हो रहा है, आरटीआई लागू ही नहीं हो रहा है, सिटीजन चार्टर के लिए तैयार ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी। एंड माइनस ए, ए मतलब क्या होता है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार ही नहीं, समझे ना? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो सेकेंड एआरसी के हिसाब से करप्शन का मतलब होता है मोनोपोली ऑफ स्टेट प्लस डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय द स्टेट प्लस सीक्रेसी इन एडमिनिस्ट्रेशन माइनस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यह है ब्रॉडर पिक्चर ऑफ करप्शन। सॉरी, माइनस का मतलब क्या कि नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ। यदि ये होता तो बहुत अच्छा होता, समझे ना? यदि ये प्लस होता, अकाउंटेबिलिटी होता, अच्छा है ना? माइनस है क्योंकि है ही नहीं अकाउंटेबिलिटी, इसलिए, समझे ना? ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ गलत गलत चीज़ है, और ये जो चीज़ होना चाहिए वो ही नहीं है, इसलिए माइनस। समझ में आ गया ना? एम प्लस डी प्लस एस माइनस ए इज इक्वल टू सी एस पर सेकेंड एयर सी। कोई दिक्कत है समझने में? अब इसमें समझते, करप्शन सिस्टमिक भी होता है और सिस्टमैटिक भी होता है, सिस्टमिक भी होता है और सिस्टमैटिक भी होता है। अब अभी तक बाबू झुटपुटिया समझ रहा था जो भी चीज़, अब इसको थोड़ा अच्छा से ब्रॉडर समझना होगा ना करप्शन इशू को। तो सिस्टमिक है और सिस्टमैटिक है, मिटा देना, अभी इसी में करना। तुम लोग यदि बना रहे हो तो यस, या जो माइंड मैप बना रहे हो तो उसके लिए स्पेस, जो लिख रहे हो तो अपना लिखते जाओ, तुम्हारे पास स्पेस ही स्पेस। यस, देखो, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन इंडिया, तो इसका दो तरीका होता है। एक को बोलते हैं सिस्टमिक और एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक। ये क्या है ये चीज? सिस्टमिक और सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, सिस्टमिक मतलब सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, समझे ना? या तो हो सकता है तुम्हारा रिलेटेड टू, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ सिस्टम्स, समझे ना? इस सिस्टम के फंक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो सिस्टम तुम्हारा पॉलिटिकल हो, चाहे वो सिस्टम तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो सिस्टम तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो सिस्टम तुम्हारा सोशियो एंड कल्चरल हो, बात समझे ना? ये तुम्हारा सिस्टमिक मतलब क्या है? रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ सिस्टम्स, जो सिस्टम है वो जो काम कर रहा है उसके वजह से करप्शन स्टार्ट हो रहा है। सिस्टमैटिक क्या है? ये सब चीज से रिलेटेड, बट जो चीज हो रहा है वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं है ये, करप्शन इंडिविजुअल नहीं हो रहा है यहाँ भारत में, करप्शन सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, यानी कि मोस्ट ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो रहा है, पूरा ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। बताओ, एक कोई ब्यूरोक्रेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्यूरोक्रेसी पूरा करप्ट है,
तो क्या है ये सिस्टमैटिक, समझ रहे हो ना, यानी कि ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कह सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है ये। ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है जी, यानी कि सिस्टमैटिक मैनर में। ऑर्गेनाइज का मतलब है सिस्टमैटिक मैनर में, क्यों? क्योंकि नॉट अबाउट ए पर्सन बट अबाउट सिस्टम। और वो सिस्टम क्या है? ये है, यहाँ पे लिख दो, वो सिस्टम कुछ नहीं, ये सिस्टम है। तो देखो इसमें क्या बताने की कोशिश किया गया कि करप्शन कैन बी डिवाइडेड और कैन बी अंडरस्टूड बाय द टू फैक्टर्स, सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमिक द वर्किंग ऑफ सिस्टम्स, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करता है, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम कैसे काम करता है, उसके वजह से करप्शन आ रहा है। सिस्टमैटिक मतलब क्या है कि जो ये सब चीज़ में करप्शन आ रहा है उसमें एक इंडिविजुअल का रोल नहीं है, वो पूरा सिस्टम का ही दोष है, पूरा इंस्टीट्यूशन ही मिला हुआ है। ये हुआ तुम्हारा सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज मैनर में करप्शन हो रहा है। समझ में आया ना ये तरीका? तो आप समझेंगे हम लोग कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीज़ होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि करप्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया? इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि करप्शन बहुत होना शुरू हो गया? इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सब जानेंगे। क्लास लंबा होगा, समझते जाओ, ठीक है ना। ब्रॉड है, उससे भी ज़्यादा ब्रॉड है ये चीज़ समझने के लिए। एक एक चीज़ को समझना होगा इसको अच्छे से। तो पहले समझते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, करप्शन रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे दे सकते हो, करप्शन रिलेटेड टू, पूरा ही लिख लेना तुम लोग। यदि कुछ भी मैं एब्रीविएशन लिखाता हूँ, DM, AP, जो भी, तुम लोग फुल लिख लेना, समझे ना। तो समझते हैं हम लोग इसका। देखो एग्जांपल, देखो कैसे पॉलिटिकल। अब इलेक्शन के प्रोसेस के टाइम में, इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है बताओ? इलेक्शन प्रोसेस कॉस्टली अफेयर है कि नहीं है? मंच एकत्रित करना, लोगों को बुलाना, वहां पे इतना इतना खर्च करना, लोगों को क्या क्या नहीं देना। तो कहा जाता है, बात समझो, ये कहा गया कि 2019 के इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज ने लगभग 55 करोड़ रुपया खर्च किया, 55,000 करोड़ खर्च किया है, 55,000 करोड़, कैन यू बिलीव इट। और उस हिसाब से देखा जाए कि लोकसभा में जो कैंडिडेट लड़ रहे थे सभी लोग 30 करोड़ रुपया खर्च किए। कहाँ से आता है ये 30 करोड़? तो यहाँ पे जो होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, वही फेवर कर रहे होंगे, पैसा दे रहे होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये सब बॉन्ड जारी करके, या फिर दूसरा गलत प्रैक्टिसेस। तो चूंकि भारत में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्या होता है तुम्हारा, क्या होगा बताओ? कॉस्ट कह सकते हो तुम, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज कॉस्टली अफेयर, सो करप्शन। और कह सकते हो यहाँ पे एक रिपोर्ट दे सकते हो कि 2019 में ईच कैंडिडेट्स स्पेंड 30 करोड़। व्हाट डज इट मीन 30 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 30 करोड़ का मतलब हुआ कि मोनोपोली ऑफ स्टेट, मोनोपोली ऑफ स्पेशली रूलिंग पार्टी। तो पहले क्या बताया था? मोनोपोली ऑफ, बताया था ना यहाँ पर वर्ड मोनोपोली ऑफ स्टेट, देखो दिख रहा है तुम लोग को, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या, वही तो स्टेट हुआ, वही तो सरकार हुआ, उसका मोनोपोली, समझ गए ना, नंबर वन। उसके बाद देखो, यस स्टिल हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है 1923 का, बता दिए थे, तो ये बहुत गलत बात है। इसके वजह से क्या होता है कि सीक्रेसी को बहुत मेंटेन किया जाता है, और ये लोग जो इतना इतना धांधलीबाजी कर रहा है, ये बोला कि हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, क्यों?
ये लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाएगा, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ये एक्ट को इन्वोक कर देता है लोग, हमारा धांधलीबाजी किए जाओ किए जाओ। जैसे पेगासस का इशू हुआ था सब जानते हो, तो फिर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1922 को इन्वोक करते हुए सीक्रेसी को और मेंटेन कर लिया जाता और पता नहीं चलने देता है कि कितना पैसा खर्च किया, पूरा मोनोपोली है कि नहीं है, यानी कि स्टेट या गवर्नमेंट उस लॉ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है जिस लॉ में उसको प्रोटेक्शन मिलता है कह सकते हो, और वही तुम्हारा करप्शन का एक जरिया बनता है। होप सो समझ में आ गया होगा ये चीज़। उसके बाद देखो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे करप्शन है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है पीई, लिखो पूरा चीज तरीके से, ये ओनली मॉरली रिस्पॉन्सिबल है, ओनली क्या है तुम्हारा मॉरली रिस्पॉन्सिबल है बट नॉट लीगली अकाउंटेबल। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, बट नॉट लीगली अकाउंटेबल, क्या चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो मैनिफेस्टो लेके आता है ये लोग कि हम जीत जाएंगे तो ये देंगे आपको, ऐसा ऐसा करेंगे, देश में इतना रोजगार होगा, 3 करोड़ नौकरी होगा, दुनिया भर का मैनिफेस्टो लेके आया, नहीं भी कंप्लीट किया तो कुछ नहीं सजा होता है इन लोग को, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या है, मोरली वाला बात है, लीगली बात ही नहीं है। तो यदि मैनिफेस्टो को लीगली इंप्लीमेंट करने का बात हो जाता ना तो इस कंट्री का बहुत अच्छा रहता, भला होता, जानते हो बड़ा बड़ा वादा करके आओ फिर सत्ता में आओ स्टेट बन के पूरा कब्जा जाओ, वही बात है, पूरा कैप्चर कर लो पावर को। तो मैनिफेस्टो का कोई बड़ा रोल ही नहीं है, मैनिफेस्टो बस अट्रैक्ट करने के लिए है, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मैनिफेस्टो भी क्या है, घोषणा पत्र, जी जिसको कहा जाता है घोषणा पत्र, जानते हो ना तुम लोग, सब पॉलिटिकल पार्टी इसको लेके आती है, डोनेशन कितना होता है सब, यानी कि बिजनेसमैन है ना, पूरा बिजनेसमैन के साथ नेक्सस, नेक्सस विद बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के साथ नेक्सस बन जाएगा उसका, है कि नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो इतना पैसा खर्च कर रहा है तो ब्राइब वोटर्स, वोटर्स को ब्राइब करेगा कि एक आ जाना दे देंगे तुमको, तो वोटर्स को ब्राइब करोगे तो करप्शन, है कि नहीं है, और इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिक्कत हो जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन आना, और भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। अब मैं लिखता हूं करप्शन इन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे होता है, ठीक है, तुम लोग बना लेना अच्छे से साइड में करके बना लेना, पॉपुलिस्ट मेजर, बहुत अच्छा लिख दो, बहुत अच्छा पॉपुलिस्ट मेजर टू विन इलेक्शन, ऐसे लिखो, तो पॉपुलिस्ट मेजर हर समय गलती नहीं होता है, वेलफेयर स्कीम है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो करप्शन इन, यदि मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स का बात करूं तो ठीक है, अच्छी बात है, सोशलिज्म आया पूरा दुनिया में, सोशलिज्म आया 1950 के बाद, 1990s तक रहा भारत में, हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया, उस समय लाइसेंस राज था तो इसने भी करप्शन ही क्रिएट किया, है कि नहीं है, पीएससी को पूरा प्रोटेक्शन दिया आता था तो उसमें भी करप्शन ही क्रिएट हुआ, तो मैं सोशलिज्म हुआ ज़्यादा बेटर है, करप्शन हुआ, बहुत करप्शन हुआ, लाइसेंस राज में बहुत ज़्यादा करप्शन था, है कि नहीं है, एक कारखाना खोलने के लिए फाइल पे फाइल चल रहा है, रेड टैपिज्म चल रहा है वहाँ पे, रेड टैपिज्म तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था जी, लेकिन एक फाइल घूम रहा है ऑफिस दफ्तर के अंदर बार बार, इसका मतलब क्या, करप्शन। उसके बाद दौर आया तुम्हारा 1990s का, जहां पे शुरू हुआ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, यही ना मोटो होता है जी, कि जितना प्रॉफिट कमा ले। अब ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या हुआ कि जो एलाइट पीपल है, यानी कि क्रोनी कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गया, बताए थे ना क्लास में क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, यानी कि नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन बिजनेसमैन एंड ब्यूरोक्रेसी, क्रोनी कैपिटलिज्म का इजाद हो गया, जब क्रोनी कैपिटलिज्म का इजाद हो गया तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एट चीप लेवल,
यानी कि जो सरकार के साथ है, जैसे अडानी अंबानी, इसको सस्ता दाम में ही सब कुछ मिल रहा है, लैंड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, व्यवस्था मिल रहा है, व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का क्या? तो यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देख के यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखा जाता है, समझे? ये भी वर्ड लिख सकते हो कि इंस्टेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंस्टेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, क्रोनिक कैपिटलिज्म में नेक्सस देखा जाता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म प्रॉक्सिमिटी दिखाया जाता है कि पावर से कितने करीब है हम। यदि विजय माल्या जो किया है, यदि कोई दूसरा कोई करता तो एक ही बार में पकड़ा जाता वो, मैं चूंकि वो पावर के बहुत करीब था, क्योंकि वो खुद राज्यसभा का मेंबर बन चुका था, तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जी, 1990s के बाद कैपिटलिज्म और उसके बाद फिर क्रोनिक कैपिटलिज्म का आना, तो पूरा नेक्सस हुआ। देखो ये है कि नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर है कि नहीं है, करप्शन कैसे आया। उसके बाद बताओ क्या नहीं हुआ? 2G स्कैम में भी हमें दिखा बहुत करप्शन हुआ, एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है ना, यही ना जी है, क्या है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम को देना, 2G स्पेक्ट्रम को दिया गया था, उसमें बहुत करप्शन हुआ सरकार की तरफ से भी। और देखो और भी बहुत सारा चीज़ है, ये मैंने बता दिया तुम लोग को, बस इतना भी लिखो काफ़ी है, और जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं। चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है, छोड़ दो। तो ये सब फैक्टर है, स्पेशली क्रोनिक कैपिटलिज्म जब से आया ना, करप्शन फुल होना शुरू हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, जैसे दैट इज अ सोशल कल्चरल, ठीक है। सोशल कल्चरल क्या हुआ? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, वो सिस्टमिक कल्चर है। तो सोशल कल्चर क्या हुआ कि देखो, अब इंडियन सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी चाहता है कि उसका जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर बन जाए। अब देखो, जब कोई देश वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव करता है तो बहुत रईस लोग हैं, उसका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, रेफ्रिजरेटर का, बाकी अन्य सामान का। तो जब वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा इंडियन सोसाइटी मूव करेगा तो नीड्स हाई लेवल ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या कि रेफ्रिजरेटर चाहिए, डिमांड, बाकी बहुत सारा डिमांड चाहिए। उसकी वजह से जो पुअर पीपल का जो डिमांड है रोजमर्रा का, उस पर कम फोकस, नॉट फोकस। जैसे एग्जांपल देखो, मैं सिंपल बताना चाहूँगा इसका, देखो कि इंडियन सोसाइटी पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अभी भी गरीब लोग तो है, बीपीएल कैटेगरी का है, मगर अभी मार्केट में डिमांड होने लगा कि अब पार्ले जी बिस्कुट नहीं बिकेगा, अब बिकेगा बड़ा बड़ा बिस्किट। तो जो आदमी पार्ले जी बिस्किट खाता था, अब उसको पार्ले जी बिस्किट खाना बंद हो गया, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो वो मार्केट में आएगा नहीं। वह कई लोग तो पार्ले जी के ऊपर सस्टेन करते थे, उसका क्या हुआ? तो यानी कि वेस्टर्नाइजेशन के आर में इंडियन सोसाइटी को अब अलग अलग रिक्वायरमेंट शुरू हो गया, क्योंकि अब हम कल्चर कॉपी करना शुरू किए। तो अब हमको चाहिए पिज़्ज़ा, हमको बर्गर चाहिए। अब पिज़्ज़ा बर्गर के चक्कर में जो आदमी लिट्टी पे जीवित था, अब लिट्टी बिकना ही बंद हो गया, क्योंकि डिमांड ही नहीं उसका। मैं अभी भी सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल लिट्टी खा के गुजारा करते थे अपना, तो वो तो बंद हो गया। इट इज़ अ ड्यू टू द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, समझ में आया ना? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये भी असर पड़ा, क्योंकि जो डिमांड है रिसोर्सेज का वो डिफरेंट होना शुरू हो गया। अच्छा, डिफरेंट हो रहा है तो ये तो पूरी तरीके से जो मार्केट का जो डायनामिक्स है वो तो पूरा डिमांड और सप्लाई चेन पे टूटा हुआ है। अभी देखो, जैसे एक टाइम में शक्तिमान आता था, क्या वो शक्तिमान अभी आएगा तो फ्लॉप नहीं कर जाएगा? बिल्कुल फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम लोग स्पाइडरमैन देख के बैठे हुए हैं। मैं जो आदमी है जो चाहता है कि शक्तिमान देखे अभी भी, वो तो नहीं देख पाएगा उस चीज को। तो इस तरह जो मेजोरिटी जो डिसाइड करता है ना मार्केट के लिए, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे एग्जांपल देखो, मोबाइल फोन देखो, हर एक जगह एग्जांपल बैठ सकता है। जैसे मोबाइल फोन देखो, अभी 20,000 30,000 50,000 का मोबाइल फोन आ जाता है। मैं वो भी तबका है जो 1,000 रुपया में डिपेंडेंट है मोबाइल के लिए, क्योंकि उसके पास 1,000 ही रुपया है। यदि 1,000 रुपया वाला बंद हो जाए किसी दिन और केवल 10,000 के बाद ही आए, तो व्हाट अबाउट डैट पीपल, जो बीपीएल वाले लोग हैं? क्यों? क्योंकि ग्लोबली क्या हुआ कि
चेंज हो गया, माइंडसेट ही चेंज हो गया, स्मार्टफोन ही यूज़ करेगा लोग अब। तो जो नोकिया वाला आता था फ़ोन, उसका तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा डिमांड। तो इट इज़ अ बिकॉज ऑफ द सोशल कल्चरल फैक्टर। समझ में आ गया ना, ये हम कॉपी करने के चक्कर में ना काम गड़बड़ा दिए। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, उसमें तुम लोग को अच्छे से लिखना होगा उस चीज़ को जो बताए हैं, अपने अपने वर्ड्स में लिखना होगा तुमको, ताकि तुम लोग को याद आ जाए वो पॉइंट, क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट है, उतना लिखाऊंगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर करप्शन का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में मैं तुम लोग क्या बताऊं, तुम लोग सब जानते ही हो इसका कि फुल सेंट्रलाइजेशन है। फुल सेंट्रल मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच है, फुल करप्शन होगा। टॉप डाउन अप्रोच है, फुल करप्शन। हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी है इसमें, हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी को मेंटेन करके रखा जाता है। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर, फुल डिस्क्रिशनरी पावर है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा कोई सिटीजन चार्टर का ठीक से इन्फोर्समेंट ही नहीं है, आरटीआई का तुम्हारा ठीक से इन्फोर्समेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, करप्शन ही होगा। समझ गए ना, ये करप्शन ही होगा। तो ये इसके बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं कम भी लिखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी पढ़े थे सिटीजन चार्टर पढ़े, कोड ऑफ एथिक्स पढ़े, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े, सब एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से पढ़े थे। तो ये समझ में आया ना, ये चार चीज है जिस वजह से करप्शन इस लेवल पे आ रहा है। अब जब करप्शन आया कि नहीं आया, वो सोशियो कल्चरल हुआ तो करप्शन ही है, वो पूरा करप्शन ही है पूरी तरीके से। तो यहाँ से डिबेट छिड़ता है कि करप्शन गुड और बैड, क्यों ये होना चाहिए करप्शन, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो कभी करप्शन को करप्शन ही नहीं मानता है। यदि हम किसी को चुरा के लाए और हम एक दुकान खोल दिए और उसके वजह से अगल बगल मेरा तीन चार दुकान खुल गया, तो ऐसा करप्शन तो बहुत अच्छा करप्शन माना जाएगा। मैंने बहुत पहले भी बोला था ना तुम लोग को, करप्शन से इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकोनॉमी बूम होता है इनफैक्ट करप्शन से। मगर और भी बहुत सारा चीज़ है जहाँ फेल कर जाता है करप्शन। तो समझेंगे करप्शन गुड और बैड डिबेट, लिख दो करप्शन गुड और बैड डिबेट। ज़्यादातर बैड में ही जाएगा बात। करप्शन गुड और बैड, ठीक है। हाँ देखो, पहले देखते हैं गुड, गुड वाला देखते हैं। देखो इकोनॉमिक्स क्या मैं बहुत कम है, गुड का बहुत कम तुम्हारा ये है, दिखाया गया कि गुड होता है मगर इकोनॉमिक्स ही लोग बोलेंगे, बाकी जगह तो सब फेल कर जाएगा। ये इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में ना, इकोनॉमिक्स में करप्शन को क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है एज अ रेंटल एक्टिविटी। कोई चीज ना हम रेंट पे दिए हैं, डेट इज अ रेंटल एक्टिविटी। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंसेंटिवाइज टू इंप्रूव योर एफिशिएंसी, यानी कि कुछ चीज़ देख के ना उस एफिशिएंसी को बढ़ाना। जैसे एग्जांपल देखो, दफ्तर में जाएंगे बोलेंगे कि हमारा काम कर दीजिए ब्यूरोक्रेट्स को, सुनो वो बोलेगा कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, एक साल लगेगा, प्रोसीजर एक साल का है। बोला ठीक है चलाएगा, मैं फिर गया बोला कि हमारा काम कर दीजिए हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, बोला ठीक है एक साल नहीं 10 दिन में हो जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, रेंटल एक्टिविटी हुआ। इसका मतलब ही हुआ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो तौर तरीका है प्रोडक्शन का वो बढ़ जाता है अचानक और उससे एफिशिएंसी आ जाता है बिकॉज ऑफ द करप्शन। और ब्यूरोक्रेसी के लिए ना, ब्यूरोक्रेसी के लिए इंसेंटिवाइज का काम करता है, इंसेंटिवाइज द ब्यूरोक्रेसी। करप्शन क्या है, ब्यूरोक्रेसी को इंसेंटिवाइज करता है, ठीक है पैसा लेंगे काम कर देंगे अच्छे से। और स्पेशली जो ग्लोबलाइजेशन के एरा में, ग्लोबलाइजेशन के एरा में जो करप्शन है ना वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत आगे बढ़ाता है, समझे ना, इकोनॉमिक्स को आगे करता है। हाँ समझ गए ना। ये बोलता है कि देखो
जब एवरीवन सभी लोग इफ एवरीवन इज करप्ट तो तुम अच्छा रह के करोगे क्या? जब सब है ही तो तुम अच्छा रह के क्या हो? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का क्या काम है? कोई रोल नहीं है। जब सब करप्टी है तो तुम भी करप्ट बन जाओ, है ना? और तुम यदि ऑनेस्ट भी रहोगे, इसका ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन अ करप्ट सिस्टम, तो इसका बड़ा दिक्कत ये होता है कि हार्म टू योर लाइफ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, हार्म टू लाइफ एंड फैमिली मेम्बर्स, है ना? ये एक पक्ष है, समझे ना? एक पक्ष है ये। ये ब्यूरोक्रेसी को मोटिवेट करता है, देखो यही मैंने कहा, यानी कि मोटिवेट ब्यूरोक्रेसी टू वर्क एंड गुड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ये तो गुड पक्ष हुआ, मगर नेगेटिव पक्ष ज़्यादा है कि बैड है। क्यों बैड है? देखो अब यहाँ का बात करते हैं। ये लिख ली है सभी चीज़, लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, ठीक है? यहाँ से कोई नहीं देखे, बस जज्बात समझो, लिखते रहो, समझे ना? बात सुनते रहना, समझे ना? अब समझेंगे कि बैड करप्शन, करप्शन तो बिल्कुल बैड ही है, ठीक है ना? ओवरऑल देखो इसका बहुत नेगेटिव रोल है। क्या है तुम्हारा बैड? बैड इसलिए है क्योंकि ये इनइक्वलिटी बढ़ाता है। अभी देखो सोशल और कल्चरल फैक्टर रिलेटेड जो करप्शन था वो इनइक्वलिटी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? गिनी कोएफिशिएंट बढ़ा देगा ये बहुत तेजी से, समझे? क्योंकि बिजनेसमैन, देखो एग्जांपल देखो कि बिजनेसमैन ब्राइब्स देगा हाँ अपना काम करने के लिए, और उसके बाद क्या करेगा? एक्स्ट्रा मनी इम्पोज करेगा कस्टमर से। जैसे मान लो कि रिलायंस जियो को अपना काम निकलवाना है तो भारत सरकार को इतना इतना क्या किया उसने, करप्स दिया उसको, ब्राइब दिया, और फिर उसके बाद रिलायंस जियो कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेके आया तो पहले 10 रुपया देता था कस्टमर, अब 20 रुपया दे रहा है, तो किसका नुकसान हुआ? कस्टमर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो बोल रहा है कि बिजनेसमैन ब्राइब्स देता है वो अपना फेवर करने के लिए, यानी कि बिजनेसमैन का फेवर हो, बट जो कितना जो दिया है, ब्राइब दिया है, वो पूरा तुम्हारा कस्टमर के ऊपर निकाल लेगा वो। इम्पोज मनी, एक्स्ट्रा मनी इम्पोज ऑन कस्टमर, कस्टमर का पैसा गया, कस्टमर बस इनइक्वलिटी शुरू हो गया, समझ गया ना? उसके बाद देखो, हाँ देखो लॉन्ग रन में हम मानते हैं कि शॉर्ट रन में ब्यूरोक्रेसी खूब खुश होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, हाँ हाँ करप्शन है, बहुत काम किए जाओ, मान लॉन्ग रन में ना करप्शन पूरा एफिशिएंसी को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा, बैड एफिशिएंसी हो जाएगा। क्यों? करप्शन ही हो रहा है, यानी गरीब आदमी भी वहां जाएगा तो उसको भी बोलेगा पैसा लेके आओ, जो होता है अभी ये स्थिति हो जाएगा, समझ गए ना? उसके बाद देखो यदि ऐसा होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, बोलेगा कि इस देश में बहुत ज़्यादा ही क्या है, करप्शन है, कहीं पे भी जाते हैं सब पैसा ही मांगता है। यानी कि देखो डायरेक्ट FDI पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? FDI इम्पैक्ट। तो जब एक बार प्राइवेट सेक्टर कम होना शुरू हो जाए, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो इकोनॉमी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इकोनॉमी कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब प्राइवेट सेक्टर कारखाना बनाने वाला नहीं है, और जो कारखाना बना रहा था उसके लिए उसको बहुत करप्शन पैसा देना पड़ रहा था, ब्राइब देना पड़ रहा था, अब उसका दिमाग खराब हो गया, अब वो नहीं बनाएगा, जब नहीं बनाएगा तो नहीं होगा इकोनॉमी, लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सिंपल बात था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा उस, क्यों? क्योंकि अनसर्टन फ्यूचर हो जाएगा, कितना पैसा मांगेगा, क्या भरोसा, समझ गए ना? ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसलिए इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ तो ब्यूरोक्रेट्स को, देखो अब ये भी बोला कि करप्शन बेकार है, क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को तो सैलरी अलाउंस मिलता ही है, सैलरी अलाउंस पहले से उसको मिलता है, तो वाई करप्शन? करप्शन करने क्या जरूरी है? ब्यूरोक्रेट्स को जब सैलरी अलाउंसेस पैसा मिल ही रहा है, लाख लाख रुपया उसका तनख्वाह ही है, तो क्यों क्यों करप्शन है ना? एक DM को करप्शन करने की क्या जरूरत है? उसको तो बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी मिलता है, सभी चीज़ मिलता है। तो करप्शन से सोसाइटी डिवाइड होता है,
क्यों? क्योंकि रिच क्या, देखो सोसाइटी कैसे डिवाइड होगा, जो रिच मैन होगा वो इजिली टू एसेस टू ब्यूरोक्रेसी, देखते हो यहाँ पे भी जो रईस आदमी एक ही बार पुलिस थाना में चला जाता है ना, और जो गरीब है पोर है नॉट एसेसेबल टू ब्यूरोक्रेसी, उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग हर, हम ये चीज़ हर समय देख सकते हैं कैसा होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है कि भारत में ना 50% से अधिक पीपल, 50% से अधिक पीपल एक्सपीरियंस किए हैं, मैं 50 बहुत ज़्यादा होगा, मुझे लगता है कि 90% होगा, अबाउट 50% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस करप्शन, करप्शन इन हिज और हर लाइफ, समझ गए ना, 50 से ज़्यादा। और देखो गांधी जी भी बोली जाते हैं कि वेल्थ, गांधी जी क्या बोलते याद करो, गांधी जी का जो 7 सीन था क्या बोलते, वेल्थ विदाउट वर्क, क्या है सीन है कि नहीं है, वेल्थ विदाउट वर्क ये सीन है, बेकार है, पाप है, ये बिना काम किए हुए पैसा कमाना पाप है। तो करप्शन में भी तो आपको बिना काम किए हुए मिल रहा है कि नहीं है, तो गांधी जी का जो फिलॉसफी है, गांधी जी का जो प्रिंसिपल है, उसको भी वायलेट करता है ये चीज़, समझ में आ गया ना। इतना ही नहीं, करप्शन के वजह से नेशनल सिक्योरिटी में भी फर्क पड़ता है, बोलो कैसे, अरे बहुत सारे लोग करप्ट करके पैसा, जैसे मान लो कि पंजाब में आना है इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर से, तो पंजाब का डीजी के साथ मैच कर गया, बात उत कर लिया, उसको पैसा दे दिया, वो आ गया अंदर, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे कितना फर्क पड़ा, एक फिशरमैन ने दे दिया और कसाब को अंदर रख लिया उसने, तो फिर RDX कितना मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी पूरा करप्शन का केस है। तो एक करप्शन से इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री का ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो नेक्सस हो जाता है उसका, तो पैसा से तो यहाँ पे जानते हो लोग खरीदा जाता है, तो गलत बात है। करप्शन से हमारा देश का जो इंटीग्रिटी है, नेशनल सॉवरेनिटी है, उस पर भी फर्क पड़ता है, वो भी चीज़ लिख लो, इट इम्पैक्ट्स ऑन द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी, समझ गए ना, ये भी लिख लो। अब इसमें देख लो, अब कोई एक बोला गया कि ऑनेस्ट रहने का क्या फायदा है, यहाँ पे है ना, देखो इस डिबेट को काटते हुए बोलता है कि देखो हम मानते हैं कि ऑनेस्टी, एक सिंगल आदमी भी, एक सिंगल मैन भी ऑनेस्ट रहे एक सिस्टम में तो वो रोल मॉडल बनेगा, ये रोल मॉडल बनेगा, है ना। इसमें कह रहा है कि फायदा क्या है एक सिंगल आदमी, मगर जो ईमानदार होता है ऑफिसियल, उसके बात करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, और उसको जो लोग एडमायर करेगा उसका तरीका डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू करप्ट मैन। तो एक ऑनेस्टी से जीने वाला एक सिस्टम है ना, वो रोल मॉडल की तरह क्रिएट बनेगा, वो रोल मॉडल की तरह काम करता है। गांधी जी देखो कितना ऑनेस्टी से काम किए थे, यहीं पे लिखा गया है गांधी जी ने भी बहुत ऑनेस्टी से काम किया था, साउथ अफ्रीका से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना और फिर इंडिया में एकदम पूरा ईमानदारी से करना उस चीज़ को। गांधी जी भी चाहते थे करप्ट हो सकते थे, ब्रिटिश के तो पाले में ही थे वो, है ना। तो देखो, और इतना ही नहीं, करप्शन से सेल्फ करप्शन हार्म सेल्फ एज वेल एज सोसाइटी, सेल्फ भी हार्म करोगे सोसाइटी को भी हार्म करोगे, हाँ ग्रीडीनेस और बढ़ते चला जाएगा, जिसका रिजल्ट कोई अच्छा होने वाला नहीं है। और उसके बाद देखो महाभारत में भी, जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, है ना, महाभारत में भी यही कहा गया था कि आई डिड नॉट स्टॉप महाभारत, कृष्ण कहा था कि हम महाभारत रोकना नहीं चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हम उस दिन को नहीं भूल सकते कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और सब बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए थे, तो महाभारत होके ही रहेगा, जो चुप बैठे थे उसके ऊपर होके ही रहेगा जो होना होगा, अब सब मरा है, सब मरा है, जो चुप भी बैठा वो भी मरा है, आज जिसने गलत काम किया वो भी मरा। मगर देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसमें अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा तुम लोग जानते हो, जिसने खड़ा होकर विरोध किया था इस चीज़ का, वो नहीं मारा गया, वो जब कौरव के साइड से था, वो मात्र नहीं मारा गया, वो मात्र एक आदमी था, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपोज किया था इस चीज़ को कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, कैसे महिला के साथ ऐसा हो जाएगा, द्रौपदी का चिरण कैसे हो जाएगा, गलत बात है, तो उसने उठाया था। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप भले ही एक सिस्टम में ना
करप्ट चुपचाप रहोगे, करप्ट प्रैक्टिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। माँ आप लड़ रहे हो ना, आप लड़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज होगा। तो अश्वत्थामा का भी यही एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो मात्र कौरव के पक्ष में वो एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी का चिरहरण को विरोध किया था और वो मारे नहीं गए थे एट द एंड। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, समझे ना। तो बैटल में कहा जाता है कि इन द बैटल, गुड और बैड का जब बैटल हो तो आप चुप नहीं रह सकते, आपको स्टैंड लेना होगा। लिख दो, इन द बैटल ऑफ गुड एंड बैड वन हैज टू टेक स्टैंड एंड रेडी फॉर सेक्रीफाइस। इन द बैटल ऑफ गुड एंड बैड वन हैज टू टेक स्टैंड फॉर द सेक्रीफाइस। ठीक है, तो महाभारत का भी कोट कर सकते हो क्योंकि एथिक्स पेपर है तुम्हारा, समझे। दैट्स इट, खत्म कर दिए हैं, खत्म हो गया है।